नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनगरी इंडिया न्यूज। शहरी ओलंपिक योजनाओं को आबू रोड अधिशासी अधिकारी द्वारा उचित क्रियान्वयन नहीं करने के लगाया आरोप। आयोजन के दौरान हो रही थी ग्राउंड की सफाई, राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण शहरी ओलंपिक आयोजन महज खानापूर्ति रही। आबू रोड नगर पालिका क्षेत्र के 40 वार्डों में रजिस्ट्रेशन खिलाड़ियों को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई। आबू रोड नगर पालिका द्वारा टीमों का गठन अपनी मर्जी से कर दिया गया। पूरे कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने ओलंपिक की टी शर्ट पहनकर कार्यक्रम आयोजित किया। शहर के नागरिक पूरी तरह से इस योजना से अछूते रहे। सैकड़ों की संख्या में रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी अधिशासी अधिकारी की लापरवाही से यह आयोजन स्कूली बच्चों का आयोजन मात्र बनकर रह गया। राज्य सरकार की शहरी ओलंपिक योजना में काफी संख्या में रजिस्ट्रेशन किए गए थे। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना में लोगों में खास उत्साह था, हर कोई खेलों में भाग लेना चाह रहा था। लेकिन कुछ महापर्व तारीखों में फेरबदल होने के बाद नए सिरे से शहरी ओलंपिक का आयोजन किया जाना तय हुआ, जिसका नगर पालिका आबू रोड द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार नहीं किया गया। टीमों के गठन में लापरवाही बरती गई, पार्षदों एवं खेल संघों को सूचना नहीं दी गई, रजिस्ट्रेशन करवाए हुए खिलाड़ियों को सूचना नहीं दी गई थी। अपनी मनमर्जी से टीमों का गठन कर दिया गया। सूचना नहीं होने पर पहले चल रही राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की भर्ती, यह योजना भी आबू रोड नगर पालिका में महज औपचारिकता निभाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आगे देखते हैं योजना में किए गए रजिस्ट्रेशनों एवं राज्य सरकार की मंशा एवं खेल प्रेमियों की भावना को देखते हुए आबू रोड अधिशासी अधिकारी आगे क्या करते हैं। शहरी ओलंपिक खेल कुछ महीने पहले होने वाले थे, लेकिन किसी कारणों से उनको पोस्टपोन करके ग्रामीण ओलंपिक के साथ अभी यहाँ पर किया जा रहा है। जब इनका रजिस्ट्रेशन हुआ था तो आबू रोड नगर पालिका के अंदर अधिशासी अधिकारी प्रकाश गुंडी जी, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम करते हुए अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन आबू रोड शहर के अंदर कराए थे। मेरे वार्ड के अंदर भी कम से कम 200 से 250 रजिस्ट्रेशन थे और पूरे शहर में लोगों में उत्साह का माहौल था और लोगों ने बढ़ चढ़ के खेलों में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराए गए। लेकिन अभी जो जैसे ही इन खेलों की शुरुआत हुई, वह रजिस्ट्रेशनों को दरकिनार करते हुए आबू रोड नगर पालिका के वर्तमान अधिशासी अधिकारी द्वारा अपनी मन मर्जी से टीमों का गठन कर दिया गया। जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन है उनको कोई सूचना दी नहीं गई है, किसी प्रकार का कोई किसी को कोई ना तो किसी खेल संघ को कोई सूचना दी गई है, ना किसी स्पोर्ट्स क्लब को कोई सूचना दी गई है, ना ही आम जनता को इसका कुछ भी किसी प्रकार का कोई सहकार रखा गया। आप भी आबू रोड के नगर पालिका के एक पार्षद के रूप में, तो इस शहरी ओलंपिक से आप संतुष्ट हैं या नहीं है? राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के अंदर से यह शहरी ओलंपिक भी एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंदर छिपी हुई प्रतिभाएं बाहर निकल के आती है, लेकिन यहाँ के वर्तमान अधिकारी द्वारा इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राज्य सरकार की योजनाओं का मुखर उड़ाया जा रहा है और किसी प्रकार का कोई कार्य यहाँ पर राज्य सरकार की योजनाओं पर नहीं किया जा रहा है। मतलब आप पूर्ण रूप से इससे संतुष्ट नहीं है? पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं, क्या मैं इनकी शिकायत ऊपर तक करूँगा कि राज्य सरकार की योजनाओं को विफल करने का कार्य ये अधिशासी अधिकारी कर रहे हैं। ठीक सर, धन्यवाद। देवनगरी इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।